श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहर के जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर मेजर नंद किशोर। डॉक्टर नंद किशोर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। डॉक्टर नंद किशोर, हम सभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन अब खुल गया, इसे हम अनलॉक वन कह रहे हैं, और सभी गतिविधियां धीरे धीरे आरंभ हो गई हैं, लोग घर से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और तमाम गतिविधियों के साथ अब जो हमारे मार्केट हैं उनमें भी रौनक दिखाई देने लगी है। ये कितना अच्छा और कितना चेतावनी भरा है? चेतावनी भरा तो है, लेकिन चूंकि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी चलना साथ साथ जरूरी है, तो ये ठीक है। बस अब हमारी जिम्मेदारी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। जो चीज हम कर सकते हैं, नियमित रूप से मास्क लगाएं, खास करके घर से बाहर जाते वक्त 2 मीटर की दूरी रखें, बार बार हाथ धोएं, हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मन की दूरी तो नहीं रखनी, लेकिन शारीरिक दूरी, सामान खरीदते समय, कार्यस्थल पे, वो सब रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चूंकि ये जरूरत थी सबकी, आर्थिक स्थिति भी ठीक रखना जरूरी है, तो ये स्टेप तो, ये कदम तो ठीक उठाया सरकार ने। ये सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और व्यक्तिगत तौर पर यदि हम कार्यालयों में जा रहे हैं तो वहाँ पर जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाना चाहिए, और यदि हम बाजार जा रहे हैं तो उन चीजों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर नंद किशोर, चूंकि एक लंबा समय बीता लॉकडाउन का और इस दौरान तमाम गतिविधियां बंद थी, सभी लोग घरों में सिमटे हुए बैठे थे, ऐसे में जो हमारी मनोदशा थी वो भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण था, आगे क्या होगा हम समझ नहीं पा रहे थे। तो जब मनोदशा ठीक नहीं रहती तो तमाम मनोरोग होने की संभावना रहती है, और आप चूंकि एक मनोरोग विशेषज्ञ हैं, मनोचिकित्सक हैं, तो किस तरह की समस्याओं के साथ लोग आपसे संपर्क कर रहे थे इस दौरान? देखिए, शुरू में तो संपर्क फोन पे ही हुआ है, परेशानी तो बहुत लोगों को हुई इससे। विशेष करके अगर मैं अपनी उसकी बात करूं तो जो मेरे मरीज हैं उनकी जो तकलीफ है वो बड़ी, दवाई नहीं मिल रही थी और थोड़ा सा दोबारा से तकलीफें या दवाई बंद होने से या इसके तनाव के कारण ज्यादा महसूस कर रहे थे जो पहले से ही मरीज थे। मगर जो नहीं भी थे तो उनको भी, चूंकि एक आपके रोजमर्रा के कार्यक्रम में व्यवधान आया, सब कुछ रुक गया घर के अंदर, तो एक स्ट्रेस का काम तो किया इसने, तनाव का काम किया, तो मन की अशांति, चिड़चिड़ापन, उदासी, घबराहट, अनिद्रा, नींद ना आना, और सच बात तो यह है कि बहुत घर के अंदर भी कुछ, जहां कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से आपसी संबंध भी बढ़ाए, अपने परिवार के साथ समय बिताया, वहां पे कुछ घरेलू हिंसा भी कुछ सामने आई है। अच्छा, लोगों ने नशे वगैरह में उस तनाव को दूर करने के लिए शराब और नशे का भी, जब तक मिलती रही लोगों को, उसका भी कुछ ज्यादा वो बड़ा उपयोग, दुरुपयोग कहना चाहिए बल्कि, तो इस तरह की बातें सामने आई ज्यादा। तो जहां पर इस समय लोग घरों में रहे वहां पर पारिवारिक स्थितियां भी सुधरी, लेकिन जैसे कि आपने बताया ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई, घरेलू हिंसा, और उसके पीछे आपने कारण बताया कि उसमें नशा, शराब का अधिक सेवन, तो ये बुराइयां हैं और ये हमेशा ही नुकसान का कारण बनती है। शारीरिक जो दूरी थी वो बनाई लोगों ने निश्चित तौर पर, और यहाँ पर जो है मानसिक दूरी भी बन जाती है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। डॉक्टर नंद किशोर, यदि हम छात्र छात्राओं की बात करें, हमारे स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनके लिए ये दौर बड़ा परेशानी वाला रहा, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई लेकिन अब भी अनिश्चितता है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह की मनोदशा से गुजर रहे हैं, किस तरह की मनस्थिति है उनकी? वो देखिए कि जो सबको आदत थी मिलने जुलने की, अपने साथ वालों से बात करने की, वो तो दिक्कत हुई। ई क्लास से थोड़ा सा ठीक हुआ और घर के लोगों ने बातचीत करी, घर में रह के भी काफी, ऐसा नहीं कि एकदम से तनाव की स्थिति आई है, लेकिन उनमें ज्यादा मोबाइल देखने लगे बच्चे, अब मोबाइल का एक एडिक्शन। वैसे ही अब क्लास शुरू होगी तो यही कहा जाता है कि भाई आप कम से कम अलग से मोबाइल तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। और चिड़चिड़ापन, अवज्ञा, डिप्रेशन, ये बच्चों में भी देखने को आया है, तो ध्यान एकाग्रता में कमी, अनिद्रा, ये सब बातें आई हैं बच्चों में भी। सबको प्रभावित किया इसने, जो ये पेंडेमिक है और उसके बाद जो लॉकडाउन एक जो जरूरी था, उसने जरूर करा है प्रभावित। तो डॉक्टर नंद किशोर, इन समस्याओं से कैसे बाहर आया जा सकता है? धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही है, लेकिन उतनी स्वतंत्रता, उतनी स्वच्छंदता से हम नहीं घूम पाएंगे, तो ये किस तरह से हमारे दैनिक व्यवहार को प्रभावित करेगा? देखिए, ये है कि जिस पे हमारा कुछ कंट्रोल नहीं, उसको तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब जैसे कि ये एक चीज जो कभी सोची नहीं थी,
बड़ी हो गई है, तो अब तो हमें ये सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे नियंत्रण में क्या है। तो हमारे नियंत्रण में तो ये है कि जैसे अभी बात करी कि ये स्वच्छता का ध्यान रखें, दूरी रखें, जो सरकार ने जो समय समय पे हमें मार्गदर्शन किया है, निर्देश जारी किए, उनका ध्यान रखें। अपने लेवल पे हम अपनी केयर करें, अपनी देखभाल करें, संतुलित भोजन, नींद बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी नींद लें, और मतलब शराब व नशे से दूरी रखें, एक रूटीन अपना बना के रखें, बहुत अपना दिनचर्या ना बिगाड़ें। जो घर से भी काम करते हैं वो भी ये जरूर करें कि जितने बजे ऑफिस जाते थे, अब तो खैर खुल भी रहे हैं वो, लेकिन कुछ लोग तो अभी भी घर से ही कर रहे हैं, वो अपना रूटीन वही रखें, सोने का, जगने का, व्यायाम जरूरी करें। इसमें जो आप कर सकते हैं, योग, ध्यान, जिन स्थितियों में है उसमें व्यायाम करने की कोशिश करें, अपने दालान में, अपने छत पे, या सुबह के समय तो मास्क लगा के साथ थोड़ा बहुत अपने आसपास निकला भी जा सकता है, तो व्यायाम करें, बहुत जरूरी है। और अपने दोस्तों से संपर्क बना के रखें, अपने परिजनों का हालचाल पूछते रहें और अपने संबंध बढ़ाएं, ये एक बिल्कुल बहुत जरूरी है। जो आपके पास है, जो मगर जो आप पे निर्भर है, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से पेश आना है, तो वो कंपैशन आपको खुद के लिए भी रखना होगा और दूसरों के लिए भी रखना होगा। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर नंद किशोर आपने कि अब परिस्थितियां बदल रही हैं और उस अनुरूप हमें ढालना होगा स्वयं को। जैसे टहलने की बात आपने की, तो थोड़ा निकला जा सकता है और भरपूर एहतियात के साथ हम अपने काम शुरू कर सकते हैं। हमने संवेदनाओं की बात की कि अब हमें संवेदनशील होना होगा, और हमने देखा, हमने जो हमारे प्रवासी हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनके कष्टों को देखा और वो करुणा और दया की भावनाएं निश्चित तौर पर उभर कर आई हैं। तो ये एक, मैं इसे सकारात्मक रूप में देखता हूँ। आप क्या मानते हैं कि हमारी जो करुणा दया की भावना बिल्कुल खत्म हो गई थी, हमारे अंदर वो संवेदनशीलता खत्म हो गई थी, तो लॉकडाउन ने इसको उभारा है, तो इसका सदुपयोग हम कर सकते हैं, हम लोगों की मदद करें, दिल से मदद करें। देखिए, ये काम तो लोग करते ही थे पहले भी, लेकिन इससे हमें जो भी मीडिया में दिखा या हमने खुद महसूस किया, तो उनके प्रति हमारी सहानुभूति, संवेदनशीलता जगी है, इसको बरकरार रखना चाहिए। लोगों ने ये भी महसूस किया कि हम किस लिए मारे मारे फिरते हैं, जरूरत तो हमारी बहुत थोड़ी सी है, तो क्यों ना प्यार मोहब्बत से, कंपैशन से अपने सबके साथ पेश आ जाए, लोगों से जितना भी हो सके मेल जोल रखें, और खास करके समानुभूति, सहानुभूति, प्यार, ये सब बहुत जरूरी है। बड़े जो सद्गुण है उनको एक बार फिर से हमने शायद महसूस किया है, और इसको भूल नहीं जाना चाहिए, इसको अपने जीवन और व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेना चाहिए। अब तो डॉक्टर नंद किशोर, हमने देखा कि वो जो भोग और विलासिता का हमारा जीवन था, जो भौतिकवाद की तरह हम आगे बढ़ गए थे और ऐसा लगता था कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन इन दिनों ने हमें ये बताया कि हमारी आवश्यकताएं बहुत कम है और उस सादगी के साथ जिया जा सकता है, और प्रकृति के हम बहुत करीब हुए हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को बदलते देखा, उसे हील करते देखा, उसमें बहुत परिवर्तन हमने देखे, हमने आसपास जानवरों को देखा, हमने पक्षियों को निहारा, बहुत करीब से हमने देखा कि हमारा जो वातावरण है उसमें भी बदलाव आया है, और ये सब हमारी जो भोग विलासिता की जो जीवन शैली थी उसमें जब हमने कमी लाई तो ये सब चीजें सामने आई हैं। तो ये एक अच्छा सकारात्मक बिंदु है जिस पर हमें आगे सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए, ये एक मौका है, तकलीफ तो है ही, वो उसको तो मना नहीं कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन बहुत सारी चीजें सिखाई है इसने, खास करके प्रकृति के पास रहना, प्रकृति से छेड़छाड़ ना करना, ये तनाव मुक्ति के और जीवन जीने के बहुत अच्छे सिद्धांत हैं, हमें इससे सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर नंद किशोर, एक बात और जो हम जानना चाहते हैं, आपने कहा कि बच्चों में भी एडिक्शन हो गया है, मोबाइल की तरफ ज्यादा रुझान है, और इस दौरान चूंकि घर के अंदर थे तो और ज्यादा मोबाइल से अटैचमेंट हो गया और ज्यादा उसका प्रयोग बढ़ गया, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया में भी बहुत समय हम लोग बिताने लगे और कुछ नकारात्मक बातें भी आती रही और हम विश्वास करते रहे, तो अफवाहों और अंधविश्वास और जो अफवाहें हैं ये हमारी मनोदशा, हमारी मनस्थिति को बहुत बुरी तरह से परिवर्तित करती हैं, उसमें बदलाव लाती हैं। आप क्या कहेंगे एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते? मैं ये कहूंगा कि देखिए, जहां सबकी जिम्मेदारी है, सब लगे भी हुए हैं, वॉरियर्स कहलाते हैं वो, लेकिन सोशल मीडिया और
जनरल मीडिया सबकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि नकारात्मकता को ना परोसें, या कम से कम अब उनकी मजबूरी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन एक अच्छी अच्छी बातें करें उन्हीं स्पेस में, उसी समय में, बहुत बेहतरीन बातें, व्यायाम कैसे करें, आपसी मेलजोल कैसे बढ़ाएं, ये दिखाना चाहिए। कोरोना के समय में तो खैर ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मीडिया की बड़ी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन वैसे भी इससे पहले भी समाज में जितने भी ये जहर घोले जाते हैं ये इससे बचना चाहिए। बिल्कुल, हमारी मूवीज बनाने वालों से लेके और सोशल मीडिया, जनरल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये जिम्मेदारी है और हमारा फर्ज है कि एक समय सीमित करते हैं अपना भी, क्योंकि अगर आप बहुत देर अगर खुद करेंगे, बच्चों को कहेंगे आप ऐसा ना करें, तो वो गलत होगा। ये तनाव मुक्ति का बहुत अच्छा साधन हो सकता है कि हम उतना ही देखें, बार बार अपडेट्स ना लें, जितनी निगेटिव चीजों से, नकारात्मक चीजों से हमें बचना चाहिए। जी डॉक्टर नंदकिशोर, अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से कि किस तरह का वातावरण हम अपने आसपास बनाएं ताकि ये जो पोस्ट लॉकडाउन पीरियड है ये बहुत ही खुशनुमा हो और हम लोग एक तरह से इस युद्ध में विजयी भी हों और हमारा सब कुछ सामान्य हो जाए। देखिए, हमेशा अपना सबसे पहले तो विश्वास, आत्मविश्वास, उम्मीद बना के रखनी चाहिए। कोई भी चीज स्थायी नहीं है संसार में, दुख और तकलीफ भी स्थायी नहीं है, रात के बाद सवेरा होता है, तो वो आशावादिता बिल्कुल बरकरार रखनी चाहिए। और वो जो गीता का सार है कि कर्म करो और फल की चिंता ना करो, तो आपका तो कर्म इस वक्त यही हो सकता है कि जो भी निर्देश मिले हैं, जो भी चीजें कोविड से लड़ने में हमें मददगार होती हैं, जिसके निर्देश समय समय पर जारी होते रहते हैं, मीडिया में भी बताए जाते हैं, उसका ध्यान रखें। और कम से कम जो आपके हाथ में है वो ये है कि वातावरण को बहुत ही खुशनुमा रखें, अपने जितने भी मन में विकार हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। कुछ जैसे हैं भाई, सॉरी बोल दीजिए, थैंक्स बोल दीजिए, लोगों से बात करिए और उम्मीद बनाए रखें, बिल्कुल वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, ये भी गुजर जाएगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, कुछ भी परमानेंट नहीं है। उम्मीद बना के रखें, अपने को बहुत ही संभाल के रखें, इंटीग्रेट करें अपने आप को, विश्वास रखें और गवर्नमेंट का साथ दें। डॉक्टर मेजर नंद किशोर, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।